जी हाँ, स्वागत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में एनसीईआरटी गाइड। आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने पुराने वीडियोस में यहाँ तक सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुका हूँ क्लास 10th के पहले यूनिट लाइट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा जाता है और इससे आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आगे जाके इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये आप सही से समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर्स। इससे पहले कि हम ये शुरू करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर्स, मैं आपको दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। जब दो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज वो वाली इमेज होती है जब एक्चुअल में आफ्टर द रिफ्लेक्शन कोई भी रे, दो रेज मिल जाएंगे। जैसे कि दो रेज आती है किसी मिरर पे टकराती है, उसके बाद वो उनकी रिफ्लेक्शन हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो रियल में मिल जाती है किसी भी जगह जहाँ पर वो इमेज बनाएंगे तो उसको रियल इमेज कहेंगे। और इसी तरीके से अगर दो रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन सीधे तरीके से नहीं मिलती है, बट उनको हम मिलाने की कोशिश करेंगे सोच में, मतलब उनको हम एब्स्ट्रैक्ट सोच में ऐसा मान के चलेंगे कि वो इस पॉइंट पे मिल गई, तो उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर्स। इमेज जो भी कंकेव मिरर्स हमें बनाते हैं उसके लिए हमें कुछ केसेस पढ़ने होते हैं। उसके लिए ये जो मैंने केसेस दिए हैं यहाँ पर 6 केसेस है, इनको हमें डीपली स्टडी करना है कैसे इमेज फॉर्म होती है। पहला जो केस है, अगर हम किसी भी कंकेव मिरर पे एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लेंगे तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। दूसरा केस है, अगर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो उस वक्त कैसी इमेज बनेगी। तीसरा केस होगा ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा केस जो होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस पे तो उस वक्त कैसी इमेज बनेगी। जो फिफ्थ वाला केस है हमारा वो है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा प्रिंसिपल फोकस पे, एफ पे, तो हमारी इमेज उस वक्त कैसी बनेगी। तो और लास्ट वाला जो केस है वो है इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान। जब प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल पोल के दरमियान वो होगी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज उस वक्त कैसी बनेगी। आइए शुरू करते हैं, पहले केस से स्टडी करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक इमेज दी, यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है, इस पे आप गौर कीजिए। यहाँ पर जहाँ से शुरू होती है वहाँ से मैंने एक इमेज मतलब एब्स्ट्रैक्ट इमेज ली है कि वो इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट आते हैं किसी भी मिरर पे तो उस वक्त हमारी इमेज कहाँ पर बनती है। जब इन्फिनिटी से एक रे, ऊपर वाली रे आती है, वो फोकस से क्रॉस होती, फोकस से पार होती हुई नीचे की तरफ जाती है। इसी तरीके से अगर इन्फिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले से एक रे आएगी वो भी फोकस पे ही वापस जाएगी, फोकस से ही, मतलब जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमारी फोकस पे मीट करते हैं, मिल जाते हैं, तो हमारी इमेज वहाँ पर बनती है जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाती है। और प्रिंसिपल एक्सिस वाली भी अगर वहाँ से भी एक और इन्फिनिटी से रे आएगी तो वो भी वहीं पर मिल जाएगी फोकस पे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आते हैं उनको हम पैरेलल मान के चलते हैं। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आप इनमें से देखोगे, जो भी आ रही है इंसिडेंट रेज, वो सारी पैरेलल आ रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सारे फोकस पे मीट कर रहे हैं। तो हमारी इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है, वो हमारी इमेज फोकस पे बनती है। और प्रॉपर्टीज ऑफ इस वाली इमेज की क्या होगी, ये हाईली डिमिनिश्ड होगी एज कंपेयर टू द इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे बहुत 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 ज़्यादा छोटी होगी और फोकस पे बनेगी। दूसरी जो इसकी मतलब प्रॉपर्टी होगी वो होगी ये रियल एंड इन्वर्टेड मानी जाती है। इन्वर्टेड तो हम मतलब डिस्कस बाद में करेंगे, इन्वर्टेड क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। रियल हमारे पास यहाँ पर इमेज वो बनती है जब एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मीट करते हैं, तो ये हमारी इमेज बन गई जब इन्फिनिटी पे था तब फोकस पे बन गई। सेकेंड केस इसका अगर ऑब्जर्व करेंगे वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के किसी भी पीछे
पीछे वाले हिस्से में किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जहां पर आप देख रहे हो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे तो उसकी इमेज कैसी रहेगी। टॉप पे इमेज के टॉप, ऑब्जेक्ट के टॉप पे नज़र डालिए, वहाँ से एक पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होती है, और दूसरी वाली रे अगर हम ड्रा करेंगे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों रेज हमें बिटवीन सी एंड एफ मीट हो जाती है, तो हमारी जो इमेज है वो बन जाएगी सी एंड एफ के दरमियान, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान इमेज बन जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? प्रॉपर्टीज़ इसकी ये होगी कि ये हाईली डिमिनिश्ड होगी एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इसका भी साइज छोटा होगा, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो होगी ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड वो वाली इमेज होती है जिसका अगर हम देखेंगे, जिसका जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आप देख लीजिए फिर से, अगर कोई भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले साइड पे बनी और कोई भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले साइड पे बनी, उसको इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं, वो है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उस वक्त इमेज कैसी बनेगी? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया हुआ है, यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट पार होती है और कनकेव मिरर पे टच करती है। कनकेव मिरर पे टच करने के बाद ये फोकस से मतलब रिफ्लेक्ट होके जाती है। दूसरी रे ऑफ लाइट हम यहाँ पर मान लेते हैं, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पार होती है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके नीचे वाली जो दिखाई हुई है मैंने पर्ल, वहाँ से जाती है। तो ये हमें दो रेज ऑफ लाइट आ गई, ये एक्चुअल में मीट करते हैं एट द फोकस। ये हमारी जो दो रेज ऑफ लाइट है ये मीट करती है यहाँ पर सी के नीचे, एग्जैक्ट एट द ऑब्जेक्ट जहाँ पर है उसी के नीचे एग्जैक्टली ये मीट करती है, वहाँ पर हमारी इमेज बन जाती है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो हमारी इमेज भी उस वक्त सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी। और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टी यही होगी, जितना बड़ा इमेज होगी उतनी ही बड़ी ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज भी बन जाएगी। और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल तो मैंने समझाई क्योंकि एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मीट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले साइड पर बन जाती है। तो ये हुआ इसका और एक केस। अब हम नेक्स्ट केस पे जा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम मान के चलेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के दरमियान होगा तो हमारी इमेज उस वक्त कहाँ पर बनेगी? आप सी और एफ के बीच में फोकस कीजिए, यहाँ पर मैंने रेड वाले कलर से इमेज ली हुई है, ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पर जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से क्रॉस होती है। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली हुई है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट होके आती है। और अगर हम इसको देख लेंगे कि रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करते हैं बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर लाल वाली दिखाई गई है, तो कहाँ पर? जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो हमारी इमेज बिहाइंड द सी बन जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, तो इसमें यही प्रॉपर्टी होगी कि जो हमारा इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, मतलब एनलार्जड होगी। और रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल भी होगी क्योंकि दोनों रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये करते हैं, और इन्वर्टेड भी होगी क्योंकि आफ्टर वो नीचे वाले साइड के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले साइड पे बनती है। ठीक है, अब हम और एक केस लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हम लेंगे, एफ पॉइंट पे अगर हम अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट हम डायरेक्टली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं, वो फोकस से वापस होती हुई यहाँ से जाएगी, और दूसरी जो रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर गौर करने की बात है, जो सी से पार होते हुए सी से ही वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी, वापस होके आएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रेज ऑफ लाइट है वो आपस में मीट नहीं करते हैं क्योंकि वो पैरेलल जाते हैं। तो इस पे हमारा क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी? इमेज जब हमारी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होके जाती है, मतलब व्हेन द रेज डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट, वी अज्यूम दैट दे विल मीट एट इनफिनिटी। हम ये मान के चलते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट कहीं पर भी मीट नहीं होते हैं
तो पैरेलल रेज हमारी इन्फिनिटी पे मीट करते हैं, तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे ही बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। तो इसमें क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत 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 बड़ा साइज होगा इमेज का। और जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो होगी ये रियल होगी इमेज और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि मतलब एक्चुअल में वो मीट नहीं करते हैं, बट वी एज्यूम दैट दे विल मीट एट इन्फिनिटी, इसलिए हम ये कहते हैं कि इसको रियल इमेज कहा जाता है। और एक लास्ट वाला केस है, अगर प्रिंसिपल फोकस और पी और एफ के दरमियान हमारी इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज उस वक्त कैसे बनेगी, ये आप एज्यूम कीजिए। यहाँ से मैंने एक पैरेलल रे ऑफ लाइट मिरर पे ड्रा की हुई है, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दूसरी रे ऑफ लाइट डायरेक्ट इस पे की है, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होके आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रे ऑफ लाइट यहाँ से बैकवर्ड साइड से हम अगर देखेंगे तो वो डाइवर्ज होती जा रही है, मतलब दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट। अगर हम उनको आगे वाली साइड से डॉटेड डॉटेड में इंक्रीज करेंगे तो वो देखा जाता है कि वो मिलते हैं, बट कहाँ मिलते हैं, प्रिंसिपल जो पोल होगा उसके सामने वाले साइड से मिलती है, मतलब अभी ये अब रियल नहीं रही, क्योंकि ये रियल में नहीं मिलती हैं कि आगे जाके वी एज्यूम दे विल मीट एट बिहाइंड द, शायद वो आगे जाके मिरर के अंदर ही किसी जगह मिलते होंगे, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी जो होगी हाईली एनलार्ज्ड, और उस वक्त जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट। इरेक्ट वो इमेज होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले साइड पे बनेगी, और वर्चुअल वो होगी जब रियल नहीं होगी। रियल वो होती है जब रियली टू रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट करते हैं, यहाँ पर रियली दे डू नॉट मीट, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज और इरेक्ट कहती है। ये एक वाहिद केस है इसमें, ओनली केस जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन जाती है, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर हम एक टेबल ले लेते हैं, इसमें हम सारे केसेस एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज लेते हैं, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज लेते हैं। यहाँ पर आप ये इमेज अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, वहाँ पर डायग्राम्स ड्रा करने के बाद अगर आप ये वाला टेबल लिखोगे तो उम्मीद है कि एग्जामिनर खुश होकर आपको सारे मार्क्स दे देगा, क्योंकि ये टेबल एक टेबुलर फॉर्म में ये मतलब ऐसे अट्रैक्टिव बन जाता है क्वेश्चन, जिसे पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। आप एक बार इसको रिवाइज कर दीजिए, रिवाइज कीजिए, इसको पॉज करके इसको देख लीजिए, पहले वाले वो वाले सारे वाले हिस्से जो मैंने अभी तक सारे केसेस पढ़ाए उनको यहाँ से मैच करवाइए, फिर देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा ये टेबुलर फॉर्म में पढ़ के, ठीक है। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। आगे वाले जो भी इसमें टॉपिक्स आते हैं वो मैं अगले वाले वीडियोस में कवर करने जा रहा हूँ। तो भाइयों मैं सब आप सभी को गुजारिश करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए अगर किसी जगह किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।